पानी नहीं पीते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मेरी बहन आ गई है और ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है, मशरूम बड़ा वाला। ये मेरे खेत में उगा था ऐसा आप सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये भी ये रेडीमेड है और हम मार्केट से खरीदते हैं। ऑर्गेनिक 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 वाला। तो देखिए, इतने बड़े छत्ता वाला मशरूम आज मैं फिर से बनाऊंगी, तो बस मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए इतने बड़े बड़े, विदाउट लहसुन एंड प्याज, क्योंकि सावन चल रहा है ना। और इधर देखिए, बड़े बड़े हैं मशरूम, बहुत बड़ा बड़ा है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। एक बार मैं आपको वीडियो अभी रेसिपी चैनल में डाली हूँ, और उसमें वो छोटा वाला मशरूम था, ये बहुत बड़ा बड़ा वाला मशरूम है। देखिए इसका साइज देख के मैं तो हैरान हो गई, इतना बड़ा बड़ा मशरूम वाला। तो आज हम लोग इसका बनाएंगे सब्जी डिनर में, सूखा सब्जी। तो इसको मैं अभी दिखाऊंगी सबसे क्यूट वाला। और ये देखिए इसका साइज कितना छोटा है, बहुत यम्मी और यूनिक लग रहा है। और सब तरह के यहाँ पे साइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सबसे बड़ा वाला है। देखो ये सेकंड, और ये थर्ड में आता है। और इधर देखिए, ये दोनों एक ही साइज का है, थर्ड फोर्थ। ये आता है फिफ्थ में, इसे छोटा। उसके बाद ये आ गया आपका सिक्स्थ में, सब ये एकदम जेनरेशन जैसा। ये सेवेंथ में, नहीं इधर तो मैं भूल गई, एक इधर और भी है। तो बस गाइस देखिए, ये मशरूम, इसको हम लोग अच्छे से वॉश कर लेंगे और कट कर लेंगे लंबे लंबे पीसेस में। काट लेते हैं, उसके बाद वॉश करते हैं। तो ये देखिए, मेरी बहन बोल रही कि मैं इसको वॉश करके लाई हूँ, तो ये वॉश कर चुकी है, तो इसको भी मैं कट करूंगी उसके बाद। तो ये देखिए, चाकू के बिना हाथ से तोड़ने लगी इसको। तो मैं इसका नाइफ ले आती हूँ, नाइफ से थोड़ा बारीकी से कट कर लूंगी। तो गाइस देखिए, ऑर्गेनिक है लेकिन स्मेल में जिसको देख रहे तो रियल वाला स्मेल आ रहा है। बहुत ही मतलब टेस्टी लगने वाला है ये वाला मशरूम, जो नेचुरल से होता है तो ऑर्गेनिक है लेकिन फिर भी नेचुरल जैसा स्मेल आ रहा है। तो अब हम इसका बनाएंगे अभी हम लोग सब्जी, जो डिनर में हम लोग खाएंगे, फिर पी लेंगे। हम लोग आज गिलास में चाय पी रहे हैं। और मैं आपको देखा, पहले के टाइम में डूबी में पीते थे, पहले के टाइम में डूबी में पीते थे, दोना में ही पीते थे, अभी हम लोग गिलास में पी रहे हैं। कप का यूज नहीं करेंगे। उसे बारीकी से इस तरह से कट कर लेंगे। इधर लो। तो गाइस पहले मैं चाय पी लेती हूं, तब तक काट रही है मींस मशरूम को। क्या बोलते हैं मशरूम ही बोलते हैं मशरूम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मशरूम। तो गाइस जिसको हिंदी में और इंग्लिश में हम लोग मशरूम ही नाम जानते हैं, अगर हिंदी में कोई नाम हो तो आप लोग बताइएगा। और हम लोग अपने भाषा में इसको हम लोग खुखड़ी बोलते हैं, और छाती इसको खुखड़ी बोलते हैं और छाती। और हिंदी में पता नहीं क्या नाम है, नहीं जानते हैं, इसको हम लोग मशरूम ही बोलते हैं। बस देखिए, तो कैसे लग रहा है काट के खुखड़ी बहुत दिनों बाद? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसको काटने में इतना मजा आता है ना, क्योंकि ये हर सीजन में मतलब मिलता ही है, लेकिन ये जो मौसम है ना, ये खुखड़ी का ही सीजन है। ये जो मौसम है खुखड़ी का ही सीजन है। और जब बाद क्योंकि बारिश होती है और बिजली कड़कती है, उसमें से ये नेचुरल वाला खुखड़ी निकलता है, और ये हम लोग के बारी में ही निकलता है। हम लोग के बारी में वो वाला भी आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ पे निकलता है। बहुत अच्छा लगता है वो उसका स्वाद और इसमें बहुत अंतर है, लेकिन ये हम लोग पहली बार बना रहे हैं तो देखते हैं। बड़ा वाला बड़ा जो भी है, ये ऑर्गेनिक वाला बड़ा वाला जो, इसको हम लोग पहली बार बना रहे हैं। देखते हैं इसका स्वाद कैसा आता है। बाकी तो पैकेट में जो छोटा वाला आता है उसको तो बने भी करते हैं, बाकी ये बड़ा वाला इस बार अभी आया है तो इसको बनाएंगे। और जो नेचुरल जो उगेगा जो निकलता है बारी में, हम जहाँ से ये मतलब मशरूम खरीदे थे, वो दुकानदार बोला था कि आप लोग बड़े बड़े पीसेस में ही काटिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो थोड़ा हम बड़ा ही पीस में काटे हैं। अब मिलते हैं बनाने के वक्त कि कैसा बनता है। देखिए हमने मशरूम को अच्छे से पीसेस में कट कर लिया है,
अब हम इसको जाएंगे बनाने, अच्छे से धो लेंगे इसको, एक बार धो चुका है पहले से, धो के लाई थी ये, और अब मैं दोबारा से फिर से इसको धो लूंगी कट करने के बाद। देखिए दोस्तों मैंने मेहंदी लगाई है, और मैंने नहीं लगाई है, मैंने मेहंदी आके खरीद के रखी है, लेकिन मैंने मेहंदी लगाई नहीं लगाई, आज मैं सोच रही हूँ रात को मैं लगा लूँ मेहंदी। तो सब चलती हूँ इसको वॉश करने के लिए, मिलते हैं बनाने के वक्त, बाय बाय। देखिए इसको वॉश कर लिए एक बार, ये दूसरा पानी में फिर से वॉश कर रही हूँ, अच्छे से करके इसको प्लेट में करके निकाल के रख लूंगी। इसको धोने में बड़ा मजा आया इतना अच्छा बड़ा बड़ा पीसेस में लग रहा था, किसी से हम लोग ये नेचुरल वाला जो धोते है ना उस तरह से इसका साइज है, और बड़ा बड़ा पीसेस में है तो बहुत मजा आ रही है। देखते हैं किस तरह टेस्ट में कैसा आता है, स्वाद में कैसा मतलब लाजवाब आती है कि कैसी आती है। अब जैसा भी है खाना तो पड़ेगा होगा, इस बार मैं बिना लहसुन प्याज को ही मैं आपको दिखा रही हूँ बनाऊंगी मैं इस सब्जी मशरूम को। तो बस देखिए हमने सभी को अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से साफ हो गई है, क्लीन हो चुका है, वो इसका सब्जी बनाएंगे। तो मिलते हैं बनाने। टमाटर एक, जीरा एक चम्मच, और 5 हरी मिर्च को मैं डाल दी हूँ, और इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। तो आज देखिए मैं पीस चुकी हूँ मसाले को अच्छे से, अब इसको निकाल लेती हूँ, और अब मैं अभी मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्जी, और इसको मैं सरसों तेल से बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि सरसों तेल में बना मशरूम बहुत ही अच्छा लगता है, और हम लोग शुरू से सरसों तेल में ही बना के मशरूम खाए हैं, इसलिए इसका स्वाद हम लोग सरसों तेल के साथ ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस साथ ही डाल देंगे हम यहाँ पे तेज पत्ता, ये है कसूरी मेथी, इसको हम थोड़ा सा मसल करके इसे हम निकाल दे रहे हैं। हल्दी एक चम्मच, एक चम्मच जी, एक चम्मच शक्कर, धनिया का पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला का पाउडर, चुन डाल देंगे मशरूम को, हमेशा नमक सब्जी मसाला डालने के बाद ही डालते हैं क्योंकि इसको पानी निकलता है। मैं एक चम्मच और थोड़ा सा ही मसाला डाल नमक डाली हूँ, ये अभी इसकी पानी, तो बस अभी इसमें पानी छोड़ दिया है थोड़ा सा भी, नमक डालने के बाद देखिए तुरंत पानी छोड़ दिया इसमें, इसको मैं अभी कवर कर देती हूँ, तो कवर करते हुए इसका पानी जब तक इसमें आएगा इसको मैं छोड़ देती हूँ इसे भी, अब फिर से कवर कर दूंगी। बस मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही थी बिना पानी छोड़ा मशरूम में, तो बस इसको फिर से कवर कर देती हूँ। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है और मशरूम भी फ्राई हो गया, मशरूम ने तेल छोड़ दिया है, देखिए अभी देखते हैं तेल छोड़ दिया है, और ये लंबे वाला पीसेस को जो मैं अभी दिखा रही थी आपको, देखिए छोटा पीस में हो चुका है, मैं थोड़ा इसको बीच में आधा भाग कर देती हूँ, लेकिन अभी ये सीझा नहीं है, और मैं इसमें अब डाल दूँगी पानी ताकि अच्छे से और सीझे, क्योंकि अभी अच्छी तरह से सीझा नहीं है, तो छोटे छोटे पीसेस में थे वो साइज सीझ चुके हल्का, लेकिन अभी मैं इसको पानी से और सीझा लूँगी। ज्यादा करके ही डालूंगी क्योंकि भी सीधा नहीं है, और इसको मैं ढक देती हूँ तब तक ये अच्छे से सीझे, सीझा नहीं है, और जब सीझेगा नहीं मशरूम तो स्वाद भी नहीं आएगी।
मैं अच्छे से दो सीटी लगा दी हूँ। और साथ में इधर हम पकौड़े को तल रहे हैं डिनर में सर्व करने के लिए। और इधर बहुत अच्छा बना है दोस्तों, शुक्रिया, आप खाइए अच्छा लगेगा। बोल दादी पापा मौसा का प्लेट सज चुका है, तुम पहले हो। तो गाइस देखिए हमारा डिनर, इधर मैंने अचार ले लिया है, रोटी है, मशरूम है, इधर कुछ प्लेट में भी रखा हुआ जो बहुत ही लजीज दिख रहा है। और इधर देखिए खा रही हैं मेरी सासू माता जी, और इधर जो लाई है मशरूम खरीद के वो खा रही है, और टेस्ट खा के बताएगी कैसा है। आप लोग भी घरों में बनाएं और खाइए, अभी मशरूम का सीजन चल रहा है तो अभी और भी अच्छा लगेगा। तो गाइस देखिए हमारा डिनर, आज का डिनर यही वाला है, पकोड़े और मशरूम रोटी और मीठा वाला अचार जो अमरा के मैं बनाई हूँ, तो ये हमारा डिनर है। तो मैं डिनर करने जा रही हूँ, सभी को मैं डिनर दे चुकी हूँ, और इधर देखिए अब मैं खा रही हूँ। तो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं अभी खाने में ज्यादा मजा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लाइफ एंजॉय, बाय बाय।